हेलो एवरीवन। अच्छा भाई, आज हम कर रहे हैं सुन वंजली दी। तो ये जो स्केल है डी शार्प माइनर है और मैंने फ्लूट का टोन लगाया हुआ इसमें। तो डी शार्प माइनर स्केल हम थर्ड और फोर्थ ऑक्टेव में हम इस सॉन्ग को प्ले करेंगे। तो स्केल क्या होगा? डी शार्प, एफ, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प। आगे चले जाएं, एफ, वही नोट्स, कहीं कहीं जी भी लगेगा। ये भी क्या है कहीं कहीं, ठीक है। और फॉर्मेट क्या होगा ट्यूटोरियल का, कि लिरिक्स लिखे हुए आएंगे, लिरिक्स को ब्रेक किया जाएगा जिन जितने वर्ड्स जितने वेज में वो ब्रेक हो सकता है सिंगिंग वाइज। जैसे सुन वंजली, तो सुन के दो सिलेबल्स होंगे क्योंकि बोला इस तरह है, ये सुन बोला इस तरह है, तो इसलिए दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया हुआ है। तो नोट्स क्या होंगे? डी शार्प थ्री लिखा हुआ है और सी शार्प थ्री लिखा हुआ है। डी शार्प थ्री का मतलब क्या है? थर्ड ऑक्टेव का डी शार्प। अगर डी शार्प फोर लिखा हुआ होगा तो फोर्थ ऑक्टेव का डी शार्प। ऑक्टेव्स क्या होते हैं ये आपको गूगल से बड़ी आसानी से आप पता कर सकते हैं, और मेरी पुरानी वीडियोस में जाएंगे उसमें भी मैंने मेंशन किया हुआ है कि ऑक्टेव्स क्या होते हैं। अच्छा, लिरिक्स के ऊपर कॉर्ड लिखा हुआ होगा, तो वो कॉर्ड आपने अगर सुन वंजली, अब वंज के ऊपर लिखा हुआ है, तो चूंकि वंज के ऊपर लिखा हुआ है इसलिए आपको वो जब वंज का वर्ड आएगा जब ही आपने वो कॉर्ड प्ले करना है। डी शार्प माइनर कॉर्ड कहां प्ले किया? वंश के ऊपर। वंजली, वंजी, ली पे मैंने नहीं लगाया, वंश के फर्स्ट सिलेबल पे मैंने लगाया। तो आपको कॉर्ड देखना है कहां लिखा हुआ है, उसी जगह आपने कॉर्ड लगाना है। अच्छा, ये ट्यूटोरियल पार्ट्स में होगा क्योंकि ये बड़ा डिटेल है, इसमें चीजें काफी हैं समझाने के लिए। तो फ्लूट जब भी आप बजाते हैं ना पियानो पे, तो उसका एक मखसूस स्टाइल है, इसीलिए मैंने आज वीडियो का एंगल भी चेंज किया हुआ है ताकि आपको मेरे जो फिंगर ऑर्डर है उससे आपको आसानी से समझ आए कि मैं कर क्या रहा हूं। अब इसका इंट्रो देखते हैं। इसका जो इंट्रो है ये जो इसका इंट्रो है, इस इंट्रो के डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। तो पार्ट वन इसका क्या है? पार्ट वन है इसका F4 थंब से, C#4 इंडेक्स से। अब एक टेक्निक यूज होगी जिसमें वो क्या करेगा कि डी शार्प फोर को प्रेस करके रखेगा और इंडेक्स फिंगर से हल्के हल्के, इंडेक्स फिंगर से हल्के हल्के 5 दफा सी शार्प फोर को वो हिट करता रहेगा। ये हिट हुआ, 1 2 3 4 5, समझ गए? एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच। तो ये फ्लूट का एक स्टाइल होता है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो फ्लूट वाला टेस्ट नहीं आएगा, समझ गए? तो कैसे होगा ये? एक नोट प्रेस करके रखते हैं और उससे पिछले वाला नोट को वो टाइमिंग वाइज उसको प्रेस करते रहते हैं, तो ये फ्लेवर आता है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? F4 थम से, इंडेक्स से C#4, मिडिल से D#4 प्रेस करके रखना है और फिर इंडेक्स से 5 दफा C#4 को हिट करते रहना है। ये फर्स्ट पार्ट है, इसको 2 मरतबा बजाना है, यानी फर्स्ट पार्ट 2 बार प्ले होगा। अब ये फर्स्ट पार्ट का कॉर्ड क्या लगेगा? D#माइनर। कहां लगेगा? थर्ड नोट पे, देखो थर्ड नोट पे लिखा हुआ है D#माइनर। तो D#माइनर कॉर्ड कैसे प्ले करेंगे? D#1। अच्छा, मैंने एकम्पनीमेंट ऑन किया हुआ है इसका, इसलिए ये साउंड आ रहा है, क्योंकि फ्लूट पे हम एकम्पनीमेंट ऑन करके प्ले करते हैं तो अच्छा लगता है। तो D#1, F#1 और A#1, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया कॉर्ड के साथ। अब सेकंड पार्ट थोड़ा सा लंबा है, वो क्या है?
ये है इसका सेकंड पार्ट, ये थोड़ा लंबा पार्ट है तो इसको मैं मजीद पार्ट्स में डिवाइड करके आपको समझाऊंगा। पहले तीन नोट समझ लें, ये डी शार्प फोर इंडेक्स से, थंब से एफ फोर और मिडिल से ए शार्प फोर, ये हो गया इसका पहला हिस्सा। और जब ए शार्प फोर पे हम आए तो हमने वही टेक्निक यूज की, एक दफा हमने जी शार्प फोर को एक फ्लेवर दे दिया, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये प्रेस रहेगा और ये ऐसे बजेगा, ठीक है। दूसरा हिस्सा क्या है, ये अब फिंगर भी चेंज करी मैंने, वो देखें किस तरह कर रहा हूं। दूसरा हिस्सा क्या है कि जी शार्प फोर बजाया, फिर थंब से जी फोर बजाया, फिर मिडिल फिंगर लेकर आ गया जी शार्प फोर पे और इसको प्रेस करके रखा वो फ्लेवर देने के लिए, अब जी का फ्लेवर देंगे हम। ये तो सेकंड पार्ट के दोनों हिस्से देखें, समझिए। फिर सेकंड पार्ट का तीसरा हिस्सा इंडेक्स से एफ शार्प फोर, थंब से एफ फोर, फिर मिडिल से एफ शार्प फोर और फिर फ्लेवर के लिए थंब से एफ फोर को एक दफा हिट कर दी, वही चीज। तो जब भी फ्लेवर का वर्ड यूज करूंगा तो पहला नोट प्रेस करके रखेंगे और दूसरे से फ्लेवर देंगे, ये तीसरा हिस्सा है इसका। अब तीनों से सुने, फिर चौथा हिस्सा, चार नोट्स हैं चौथे हिस्से में, एफ फोर एक दफा और मिडिल से डी शार्प फोर तीन दफा, और फिर थोड़ा फास्ट लेके जाना है लास्ट पार्ट जो है इसका, दूसरे सेकंड पार्ट का जो आखिरी हिस्सा है उसमें ये करना है। तो एफ फोर थंब से, डी शार्प फोर मिडिल से और सी शार्प फोर इंडेक्स से। अब सेकंड पार्ट पूरा सुने, अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो हमने दो पार्ट्स के कर लिए, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट भी लंबा पार्ट है, इसको भी हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला हिस्सा यानी चार नोट्स बज रहे हैं, चारों दो दो मरतबा बज रहे हैं, इंडेक्स से सी शार्प फोर और थंब से एफ फोर, एफ शार्प फोर भी दो दफा इंडेक्स से और मिडिल से जी शार्प फोर दो दफा। टाइमिंग देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, 1 2 3 4, टाइमिंग देख लें, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस पार्ट में हम कौन सा कॉर्ड रख सकते हैं, सी शार्प मेजर, समझ गए आप। ये हो गया इसके तीसरे पार्ट का पहला हिस्सा। इसका तीसरे पार्ट का दूसरा हिस्सा क्या है, ये है। तो इसमें क्या है, तीन तीन के सेट बन रहे हैं। तीन तीन के सेट कैसे, पहला सेट रिंग मिडिल और इंडेक्स से ए शार्प फोर, जी शार्प फोर, एफ शार्प फोर, फिर दूसरा मिडिल इंडेक्स और थंब से जी शार्प फोर, एफ शार्प फोर, एफ फोर, फिर तीसरा मिडिल से एफ शार्प, थंब से एफ और डी शार्प इंडेक्स से। ये है इसका थर्ड पार्ट का दूसरा हिस्सा। इसमें आप चाहे तो हर एक में कॉर्ड चेंज कर सकते हैं और चाहे तो एक ही कॉर्ड रख सकते हैं, ये, और चाहे तो अगर चेंज करना चाहे तो तीनों में चेंज करते हैं, अगर कर सकते हैं अच्छा लगेगा ही वैसे। और फिर फर्स्ट पार्ट को फौरन लेकर आ जाए।
अब जो फर्स्ट पार्ट आएगा वो थोड़ा चेंज होगा। तो अब जो फर्स्ट पार्ट आएगा उसके दो मजीद पार्ट्स होंगे। तो पहला क्या होगा और सेकंड में हम क्योंकि एंड करेंगे तो वो कैसे होगा, ये पार्ट समझ लें। एंडिंग कैसे, F4 एक दफा, थंब से F4, सी शार्प 4, इंडेक्स से। अब वो फ्लेवर वाला जो मैंने बताया था, डी शार्प 4 एक दफा प्ले करेंगे। अब सिर्फ दो बार आप इसको फ्लेवर देंगे, पहले तो हमने 5 बार दिया था, इसको 2 बार देंगे। ये देते ही फौरन एफ शार्प 4, एफ 4 और डी शार्प 4 लगा देंगे। ये है हमारा इंट्रो और इसके पार्ट्स, ठीक है। अब मैं आपको पूरा बताता हूं पार्ट बाय पार्ट कैसे चलेगा। फर्स्ट पार्ट देखें, फर्स्ट पार्ट ओके, सेकंड पार्ट, समझ गया, थर्ड पार्ट, और फिर लास्ट में रिपीट कैसे होगा। ये है इसका इंट्रो।